Very good morning, my dear students, and you are welcome in the online tutorial of Par Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Par Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, student, today's topic is Faraday's law. Faraday's law of EMI, electromagnetic induction. देखिए बेटा, फैराडेज के क्या लॉज थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के? इनके जो लॉज हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उनको क्लियर करते हैं, ठीक है? अब बेटा, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना है, उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 99.9% एग्जाम में आ सकता है, वो मेथड हमें समझने पड़ेंगे. मेथड और ईएमआई, मेथड्स ऑफ ईएमआई, क्या मेथड होंगे हमारे ईएमआई के? लेक्चर हमने एक क्वाइल ले ली, ठीक है? इस क्वाइल पे हमने क्या किया बेटा, एक गैल्वेनोमीटर लगाया, ओके? और अब हमें पता है कि कल वाले क्लास में हम कर चुके हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या रहेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इसमें हम इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करेंगे. इसके अंदर एक इंड्यूस करंट बनेगा. कैसे बनेगा? हमने देखा था कि हम कंडक्टर को मूव करते थे, मूवमेंट हम करते थे, फोर्स हम लगाते थे, करंट हमें मिलता था, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन होता था. तो अब भी कुछ ऐसा ही करेंगे. देखना बेटा, यहाँ पर ये मैंने एक मैग्नेट लिया, ध्यान रखना, दैट इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल. इस मैग्नेट की कुछ मैग्नेटिक लाइन इस कॉइल को टच करेंगे, ठीक है? कुछ इसकी मैग्नेटिक लाइन इस कॉइल को टच करेंगी. अगर तुम मैग्नेट को बेटा आगे की तरफ मूव करोगे तो ये नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी. और मैग्नेट को अगर पीछे की तरफ ड्रॉ करोगे तो ये नंबर ऑफ लाइंस डिक्रीज हो जाएंगी. अगर तुम इस मैग्नेट को फॉरवर्ड बैकवर्ड टू एंड फ्रो मूव करते हो तो हम देखते हैं कि इस कॉइल में एक इंड्यूस करंट आया और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन. पॉइंट इज क्लियर? बट हम उसी के साथ साथ ये भी ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं इस मैग्नेट को फॉरवर्ड मूव कर रहा हूं या टुवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा हूं, तो मान लो फॉर एग्जांपल कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये टुवर्ड्स द लेफ्ट डिफ्लेक्ट हुआ. लेकिन जब मैं इसको विड्रॉल करूंगा, पीछे की तरफ विड्रॉ करूंगा इस मैग्नेट को, मतलब नंबर ऑफ लाइंस को डिक्रीज करूंगा, तब ये गैल्वेनोमीटर राइट की तरफ आ गया. फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब है कि अगर मूव करते टाइम, इस मैग्नेट को आगे मूव करते टाइम, जिस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, मैग्नेट को पीछे ड्रॉ करते टाइम ये गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है? आई रिपीट कि ईएमआई जो मेथड है, ईएमआई जो में ये फर्स्ट मेथड है बेटा, फर्स्ट मेथड को ध्यान से समझो. कि हमने एक कॉइल ली है, डेरिवेटिव ऑन अ कॉइल, ठीक है? ये फिक्स है, कॉइल फिक्स है. ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट कैसी है बेटा, मूविंग मैग्नेट है. इसको तुम मूव कर रहे हो, इट इज अ मूविंग मैग्नेट. इस मैग्नेट को आगे की तरफ मूव करेंगे, नंबर ऑफ लाइन बढ़ जाएगी, पीछे की तरफ मूव करेंगे, नंबर ऑफ लाइन डिक्रीज हो जाएगी. जब भी नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन देगा, ठीक है? मान लो नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज होने पे इसने डिफ्लेक्शन दी लेफ्ट साइड, डिक्रीज होने पे फिर ये देगा राइट साइड, मतलब ऑपोजिट डिफ्लेक्शन देगा. तो इसमें करंट दोनों डायरेक्शन में चलता है, एक बार इस डायरेक्शन में चलेगा, एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में. तो बस कॉज क्या है, कॉज पे ध्यान दो. कारण क्या है? कारण है चेंजिंग इन नंबर ऑफ
मैग्नेटिक लाइंस लिंक विद कॉइल, लिंक विद कॉइल, जब तक इस कॉइल के साथ लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहेंगी तब तक इसमें करंट इंड्यूस होता रहेगा। जैसे ही वो नंबर ऑफ लाइंस कांस्टेंट हो जाएंगी तब इसमें करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन नहीं देगा। कांस्टेंट का मतलब समझना बेटा, ये नंबर ऑफ लाइन अब चेंज नहीं हो रही है, तुम मैग्नेट को पास में ले आके छोड़ देते हो, रख देते हो, चाहे जितनी मर्जी लाइन उसको टच करें, क्वांटिटी से लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना किससे है, कॉज क्या है, कारण क्या है, करंट को प्रोड्यूस करने का कारण है चेंज। चेंज अगर हम करेंगे तो इंड्यूस करंट मिलेगा। अब बेटा ऐसा भी हो सकता है, सेकंड अगर मैं मेथड की बात करूं तो सेकंड मेथड भी यही है। ये तुम्हें मेथड लिखने पड़ते हैं, ये क्वेश्चन आता है मेथड को ईएमआई का, कितने मेथड है ईएमआई को जनरेट करने के। तो बेटा देखिए, फर्स्ट मेथड में कॉइल एक से मैग्नेट मूव हो रही है, सेकंड मैग्नेट में क्या करो, मैग्नेट को फिक्स कर दो, कॉइल को मूव करो, कॉइल को मैग्नेट के पास लेकर आओ, कॉइल को मैग्नेट से दूर लेकर आओ। तब भी सेम है, बात वही की है, हमें तो इस कॉइल में नंबर ऑफ लिंकिंग को चेंज करना है। किसकी लिंकिंग को चेंज करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की लिंकिंग को चेंज करना है। तब भी इसके अंदर क्या जनरेट होगा, तब भी इसके अंदर इंड्यूस करंट जनरेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमने इस चैप्टर में सीखा है कि अगर हमें मैग्नेट यूज नहीं करती तो क्या करें। अब इस चैप्टर की नॉलेज को यूज करेंगे बेटा, देखिए हमने एक पॉइंट सीख रखा है यहाँ पर कि अगर मेरे पास ये अभी भी मैं सेम कॉइल ले जाऊं, इस कॉइल को कोई गैल्वेनोमीटर नहीं लगेगा। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर मैंने यहाँ पर इस कॉइल के साथ अटैच किया। अब एक नियर एक और कॉइल ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इस कॉइल में लगाते हैं बैटरी, स्विच और ये। ठीक है, ये बैटरी हमने क्या किया, थोड़ा सा वेरिएबल लगा दी। ओके, वेरिएबल का मतलब जिसकी वोल्टेज तुम कम ज्यादा कर सकते हो। अब मुझे बताइए, अगर मैं कोई क्लोज लूप लूंगा और क्लोज लूप में अगर करंट पास करूंगा, तो जैसे इसमें करंट पास हुआ, मान लो ये करंट पास हुआ इस कॉइल में से, तो इसका एक एक साइड नॉर्थ पोल बनेगी और दूसरी साइड इसकी साउथ पोल बनेगी। अब ये करंट क्लॉक वाइज है तो ये वाली जो साइड है ये साउथ पोल बनेगी, इसके पीछे नॉर्थ पोल बनेगी। तो इन क्वाइल्स को देखने में ये क्वाइल ऐसे हैं, लेकिन ये क्वाइल ऐसे सामने सामने से खड़ी होगी। ठीक है, देखने में ऐसे डायग्राम ऐसा बना लेंगे, बेसिकली ये क्वाइल ऐसे हैं, दूसरे के आमने सामने है वोल्टेज पॉइंट। अब जैसे ही तुम इसका स्विच ऑन करोगे, इसमें से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करते हुए मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये साउथ पोल बनेगा या नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ इधर कर दिया, नॉर्थ इधर कर दिया, तो उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है निकल कर इसको टच करेंगी। ठीक है ना, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, इसके पीछे जो नॉर्थ पोल है ऐसे होगा ना, ये तो नॉर्थ में से लाइन निकलेगी, दूर के साउथ में आ जाएंगे, तो उसकी जो लाइन्स हैं, मे भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो, देखो इसको और करके तो दूर करते हैं, तुम्हें ये कॉइल इस टाइम ऐसे नजर आ रही है, ये कॉइल तुम्हें ऐसे नजर आ रही है, बट इसको ऐसे ये वाला तुम्हें जो फेज है ये साउथ पोल नजर आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल है ये। ठीक है, मैंने इस कॉइल को ऐसे टर्न कर दिया, जैसे टर्न करा ये पीछे वाला पोल कौन सा बना, नॉर्थ पोल बना, नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल दी है, नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इसको लिंक करेंगे, घूम कर आएंगे इसके साउथ पोल में एंटर करेंगे, फिर नॉर्थ से निकलेंगी, लिंक करेंगे, गॉट दिस पॉइंट। चलिए, अब जैसे जैसे तुम इसका करंट इंक्रीज करोगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती चली जाएंगी, इंक्रीज होगी, इसके साथ नंबर ऑफ लाइंस की जो लिंकिंग है वो इंक्रीज करते रहेगी, फिर तुम इसके करंट को वोल्टेज को डिक्रीज कर दो, करंट डिक्रीज हो जाएगा, करंट डिक्रीज होगा मैग्नेटिक लाइंस डिक्रीज हो जाएंगी, मैग्नेटिक लाइन डिक्रीज होगी तो इसके साथ जो नंबर ऑफ लाइंस की लिंकिंग हो रही है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरा जो टारगेट होता है, मेरा टारगेट होता है कि इसके साथ जो नंबर ऑफ लाइंस की लिंकिंग है, लिंकिंग क्या होनी चाहिए, बार बार चेंज होनी चाहिए। तो इसकी लिंकिंग कैसे चेंज हो रही है, ना तो तुम इस कॉइल को मूव कर रहे हो, ना तुम इस कॉइल को मूव कर रहे हो, तुम अपनी नॉलेज यूज कर रहे हो कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैन बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, वो मैग्नेट जैसा बिहेव कर सकती है और हम उसको मैग्नेट जैसे ही बिहेव करवा रहे हैं, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है करंट पे। तो यहाँ पर हम करंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड नेबर कॉइल के साथ लिंक करेगा, और अगर वो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं है, तो नेबर कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा करेगा।
पॉइंट क्लियर हो गया ये सबको? से ये सुन लो, क्लियर है? ठीक है, तो बेटा ये थर्ड मेथड जो है हमारा, ये सब लिखे हुए हैं हमारे नोट्स में, तो ये थर्ड मेथड जो है दैट इज द मच इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, ये थ्री मेथड हैं जो फैराडे ने सजेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये तीनों मेथड हमें करने होते हैं, कैसे? बाय रिलेटिव मोशन इन द कॉइल और मैग्नेट, और फिर हमारा जो ये वाला लास्ट मेथड है ये क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल प्लेस नियर द कॉइल इन व्हिच यू वांट टू इंड्यूस द करंट। व्हाट दिस पॉइंट बेटा, ये सभी मेथड हमें आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, इस पूरे फिनोमेना को हमने बोला हुआ है ईएमआई। मैंने तुम्हें थोड़ा सा सिंपल मेथड में बेसिक पॉइंट्स करवा दिए थे, मैंने तुम्हें बेसिक पॉइंट्स करवाए थे कि अंदर हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे, कंडक्टर को मूव करेंगे, ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करेंगे, तो उसके अंदर क्या इंड्यूस होगा, उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कंडक्टर को मूव करेंगे, तो कंडक्टर को मूव करने का मतलब है कंडक्टर में ये नंबर ऑफ लाइंस कम करना ज्यादा कम करना ज्यादा जाता है। अगर इस कंडक्टर को इसके अंदर पड़ा रह देंगे, छोड़ देंगे, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कांस्टेंट हो जाएगी, इस कंडक्टर में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। कंडक्टर को इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करने का मतलब यही है कि इस नंबर ऑफ लाइंस को इंक्रीज और डिक्रीज करना। और दिस पॉइंट तो बेटा ये हमारा फिनोमेना था ईएमआई, बेसिक कांसेप्ट था हमारा। आज हम उसके थ्री मेथड्स करेंगे कि हम अपने ईएमआई को कैसे-कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं करंट को, तो कॉइल को फिक्स कर सकते हैं, मैग्नेट को मूव कर सकते हैं, मैग्नेट को फिक्स करके कॉइल को मूव कर सकते हैं, या फिर हम ये वाला फिनोमेना यूज कर सकते हैं। टारगेट ये लेकर चल रही है हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो लिंक कर रही है उस कॉइल के साथ जिसमें करंट इंड्यूस करने जा रहे हैं, वो चेंज होती रहनी चाहिए, कॉन्स्टेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा बेटा इसका बेसिक फिनोमेना रहेगा ईएमआई का। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी ज्यादा चैप्टर हमारा रिड्यूस हो चुका है सिलेबस में से, क्योंकि इसका एसी जनरेटर हम टॉपिक नहीं रहा, तो यहाँ तक। और उसके बाद एसी ओवर डीसी ये सब रिमूव हो गए हैं, पहले काफी टॉपिक्स रहते थे, तो लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम कर लेंगे एक बार, जैसे फ्यूज क्या होते हैं, अर्थिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या है, ये सारे मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए बेटा बस इतना ही, और इसके नोट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं, तो नोट्स बनाइए, और नोट्स में सबके फेवरेट बनाइए और उनको लर्न कीजिएगा। ठीक है, बट दैट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेल्प बुक में से भी इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी में तो ये तुम्हें डिटेल में नहीं मिलेगा, लेकिन हेल्प बुक्स में से तुम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे बेटा।